बंद करूं तो तुम्हारे साथ सर। इस भाई ने हमारी गाड़ी में पीछे से मारी गाड़ी। अच्छा, मैंने रोका गाड़ी, उनके भाई साइड में लगा ले। मैंने प्रेम से इसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। तब तक वो पुलिस वाले भाई साहब आ गए, ठीक है। उन्होंने बोला भाई दोनों गाड़ी साइड में लगाओ, ठीक है, उसके बाद अपनी बात करो, ठीक है। मैंने सर अपनी गाड़ी साइड में लगाई, तब तक ये भाई गाड़ी लेके भागने लगा, ठीक है। मैंने देखा कि ये भागा जा रहा है, मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी छोड़ के इसके पीछे भागा। हमें भाई रोक 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 इसके आगे आ गया सर, इसने मेरे ऊपर टक्कर मार। हमारा नाम सर बीरवान सिंह पाल। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं बसुंधरा से आ रही थी, 66 जा रहा था, ठीक है। उसके बाद सर इसने मेरे टक्कर मार दी, मैं जंप करके इसकी गाड़ी के बोनट पे आ गया, ठीक है। तो मेरे जैसे पकड़ में वो बोनट आ गया, मैं वैसे ही लटक गया, ठीक है। वहाँ से ये भाई भगाता रहा इधर उधर डिवाइडर में, मेरे को गाड़ी घुमा घुमा के मारता रहा, लेकिन मैं वहीं चिपट गया। इतनी दूर से लटका के लाया ये सर? कम से कम 2 किलोमीटर मेरे को भगाया, ठीक है। 2 किलोमीटर मेरे को लटका के लाया, गाड़ी इधर उधर घुमाता रहा, मैं गिरा नहीं सर, लगी तो नहीं है, ठीक है सर। मैंने जब पैर जमीन पर लगाने को किया तो मेरा पैर जमीन में आके चोट लग गई मेरे, ठीक है। मैम, एक मामला प्रकाश में आया है कि एक बोनट पर तेज रफ्तार में एक व्यक्ति बैठा हुआ गाड़ी भगाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? थाना इंद्रपुरम के कनावनी क्षेत्र का ये मामला है। उसमें ये पता चला था कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में कुछ टक्कर हुई थी, उसके बाद रोड रेज का ये मामला सामने आया है कि उस व्यक्ति ने जिसके साथ टक्कर हुई थी उसे दूसरे व्यक्ति की बात न सुनते हुए गाड़ी नहीं रोकी और उस गाड़ी को वो आगे उस व्यक्ति को ड्रैग करते हुए ले गए। इस संबंध में थाना इंद्रपुरम में मुकदमा दर्ज कराया गया है और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, ऐसे ही मामला एक पहले भी और सामने आया था, तो क्या इस तरीके से जो लगातार प्रकाश में आ रहे हैं मामले, आगे चल के कोई इनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ प्रावधान बनना चाहिए या ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए जो बाकी लोगों के भी जो है अलर्ट हो, कान खड़े हों कि हम इस तरीके से पुनरावृत्ति ना करें? निश्चित रूप से ऐसा होता है कि रोड रेज के बहुत सारे केसेस सभी जगह सामने आते हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि उन केसेस को फर्मली डील किया जाए और ये कार्रवाई की जाए उन पे, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को हम रोक सकें।